इतना डिलीशियस दिखने वाला और रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा टेस्टी पास्ता हमने घर पर बनाकर तैयार किया है, वो भी कुछ ही समय में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी को बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और टेस्ट के हिसाब से नमक। इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पास्ता। तो यहाँ पर पानी को अच्छे से बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। और पास्ता डालने के बाद हमें इसे 7 से 8 मिनट तक के लिए कुक करना है। तो ये देख लीजिए, कुक होने के बाद जो है पास्ता का कलर चेंज हो चुका है। इसे हम इस तरीके से कट करके देखेंगे। कट करने के बाद इसके अंदर आपको एक वाइट कलर की हल्की सी लाइन दिखेगी, बस इसी स्टेप पे हमें इसे बंद कर देना है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करते ही हमें इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए और हमारा पास्ता ओवर कुक ना हो। इसे अब हमें साइड में रख देना है। अब हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली है, जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न्स, गाजर और ऑनियन। साथ ही लिया है गार्लिक, फाइन चॉप करके गार्लिक लिया है यहाँ पर, रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगानो। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बटर। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक। तो ये गार्लिक को हमने फाइन चॉप कर लिया है। गार्लिक को चॉप कर ही यूज़ करना है, गार्लिक पेस्ट आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज। तो आधी प्याज है, इसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करने हैं हमें, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गाजर। तो ये एक छोटी साइज़ की गाजर है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आधी शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। आपको वेजिटेबल्स को मीडियम चॉप करना है, ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं रखना है। साथ ही यहाँ पर हमने स्वीट कॉर्न यूज़ किए हैं, ये 1/4 कप के बराबर है। तो ये बॉयल स्वीट कॉर्न है। इन सभी वेजिटेबल्स को बटर के साथ 1 मिनट के लिए टॉस करना है और इसे निकाल लेना है। तो इसी सेम कढ़ाई में अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा। तो जितना हमने बटर लिया है, सेम क्वांटिटी में हमें मैदा लेना है। अब इसे हम बटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो इसे 1 मिनट तक के लिए इस तरीके से चलाते हुए भूनना है। इसे ओवर कुक नहीं करना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। बस 1 मिनट तक के लिए इसे लो फ्लेम पे हमें कुक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा मैदा जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप मिल्क ऐड करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये देख लीजिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिक्स करते जाना है, ताकि इसमें लम्स ना बने। इस पूरे प्रोसेस में हमने गैस की फ्लेम को लो पे रखा है, और साथ ही ये जो मिल्क है, ये हमने रूम टेम्परेचर का मिल्क इसमें ऐड किया है। आप कोई भी ठंडा या गर्म दूध ऐड कर सकते हैं। इस देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। हमने पूरा 2 कप दूध इसमें ऐड कर दिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें ऐड करने हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ ही डालेंगे पास्ता जो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखा है, और इन सभी को हम सॉस के साथ एक बार मिक्स कर लेंगे। सॉस में अच्छे से कोट कर लेंगे। दिख रहा है ना कितना यमी। पास्ता को हमें इसमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 मिनट तक के लिए इसमें रखना है। अब हम इसमें डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर हमने प्रोसेस चीज़ यूज़ किया है,
आप कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 कप प्रोसेस चीज़ हमने यूज़ किया है, इसे भी हम सॉस में अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर हमारा क्रीमी चीज़ी और यमी पास्ता बनकर तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है जिसमें हमें पास्ता को सर्व करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा पास्ता निकाल लेंगे, साथ ही डालेंगे इसमें मोज़रेला चीज़। तो इस तरीके से फैलाते हुए हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा पास्ता और डाल देंगे और इसे गार्निश करेंगे हम चीज़ मिक्स हब और चिली फ्लेक्स से। तो यहाँ पर हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस दिख रहा है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।